Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो guys यार आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं The Resident Evil 8 Village. हाँ तो गाइस जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि हमें ईथन की बेटी रोज को मदर मिरांडा से बचाना है जिसने उसके चार पार्ट करके चार अलग अलग मॉन्स्टर्स में बांट दिए हैं। अब हमें उन चारों मॉन्स्टर्स को मार के वो फ्लास्क कलेक्ट करने, उन चारों को जोड़ना है और रोज को दोबारा से जिंदा करना है। फिलहाल दो मॉन्स्टर को मैं मार चुका हूँ, लेडी डिमिट्रस्क एंड डोना बेनिवेंटो। अब बारी है तीसरे मॉन्स्टर की जो की है मोरव। सामने ये जो आप बड़ा सा लेक देख पा रहे हो इसी के अंदर एक बड़ी सी फिश है और वो एक फिश का रूप ले चुका है। एक्चुअली वो फिश नहीं है, वो एक मॉन्स्टर फिश है या फिर मॉन्स्टर शार्क है, नहीं मॉन्स्टर वेल है भाई, कसम से बहुत ज्यादा ही डेंजरस ही है वो। फिलहाल यहाँ पर अपना ड्यूक आया है जिससे मैंने काफी सारे वेपन्स तो खरीद लिए हैं। और लास्ट टाइम अपना प्लान कुछ ऐसा है कि हमें ना ये जो आप लीवर देख पा रहे हो ना इसके थ्रू ये वाला जो डैम है खोलना है और उसके बाद जो सारा पानी है वो बहकर इधर आ जाएगा और पानी का जानवर जमीन पे जिंदा नहीं रह पाएगा। तो इस तरीके से शायद वो एक ही बार में मर तो जाना चाहिए। फिलहाल ये वाला जो चार्ट है ना मुझे से पहले ना रोटेट करके कुछ इस तरीके से, एक मिनट रुक जाओ, ये जो आप सामने देख पा रहे हो ना मेरे को कुछ इस तरीके के बटन यहाँ पर सेट करने हैं। तो तीन ऑरेंज यू आएंगे, बीच में ब्लैक सेट हो रखा है, तीन ऑरेंज दो ब्लू इधर, ठीक है मैं इसे ऐसे सेट करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर तीन ऑरेंज करना है, पहले ये हो गया ऑरेंज एंड इधर आएगा ब्लू, इधर मेरे को देखना पड़ेगा क्योंकि ये जो है ना पूरा रोटेट हो रखा है तो इसे रोटेट करके ही समझना पड़ेगा। अरे भैया कहाँ जा रहा है? ओके गाइस, तो इसे रोटेट करने के बाद मुझे दोबारा से समझ आ रहा है ऊपर वाले जो दो है मुझे उसे व्हाइट करना है, देन नीचे वाला ब्लू करना है, ठीक है अभी मैं इसे भूलूंगा नहीं। ये वाला व्हाइट है, ये वाला अभी मेरे को व्हाइट करना है, नीचे वाला ब्लू करना है और अभी सब में ग्रीन टिक लग चुका है। आई थिंक अभी मैं इसको ऑन कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर ग्रीन लाइट जल गई है। अभी वो मॉन्स्टर शांत बैठा हुआ था, अब जब यहाँ का पानी सारा बहकर इधर आ जाएगा वो वापस से भाई अभी वो तड़प रहा है बेटा, अब तो गया भाई ये गंदा मरेगा। फाइंड द वे आउट, ओके तो अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। वैसे दिक्कत की बात ये है कि मेरे पास ना गाइस ज्यादा वेपन्स नहीं, ये कहाँ आ रहा है भाई? एक सेकेंड, ये गाइस मोरो क्या कर रहा है तू? इसके अंदर मोरो की आत्मा है भाई जो कि अपना तीसरा मॉन्स्टर है और मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए लग रहा है सीधा ही जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे वाली साइड पर मैंने देखा है कोई रास्ता नहीं है। मैं यार कोई गलती तो नहीं कर रहा? मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खुद मौत के मुंह में जा रहा हूँ भाई। वैसे यहाँ पर कुछ सामान वगैरह मिल जाएगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। इधर कुछ है, इधर एक बुक है, अक्टूबर 1 अ संडे अ सनी डे मदर मिरांडा बोट मी 5 पीपल्स फ्रॉम द विलेज जस्ट लाइक आई आस्क्ड, आई मेड देम स्लीप विद सम लिक्विड एंड देन आई पुट कोडो इन देयर टमीज। ओके आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द कोडो जो भी है टू ग्रो इन देयर टमीज। ओके अक्टूबर 2 द क्लाउडी डे, 4 people from the village are dead this morning. One is almost a lichen. I sent it to my lab on the mountain. I feel again. Mother wanted strong vessels, but I cannot get any. I will need more people from the village. भाई cloudy. एक second. इसके अंदर कुछ भाई मेरे को यहाँ पर एक magazine मिली और ये magazine M1911 की है और मेरे पास उसकी ज़्यादा ammo नहीं है but कोई नहीं, मैं इसको ना उसमें equip कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये रही वो gun, तो मुझे इसे एक्यूप करना है, एक्यूप पार्ट इसमें नहीं, ओके सॉरी ये मेरी पिस्टल में एक्यूप होने वाला है, ठीक है ओके गाइस। तो अभी हमें इस पिस्टल में काफ़ी ज़्यादा एमो मिल जाएगी, फिलहाल ज़्यादा नहीं सिर्फ उसे 15 एमो ही है मेरे पास और मुझे ना गाइस अभी यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। मोरू जो मॉन्स्टर है वो इधर ही घूम रहा है बट अभी तक मेरे को नज़र नहीं आया। मुझे अपने पहले जितनी भाई यहाँ से मुझे काफ़ी कुछ मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले कलेक्ट कर। ओह नहीं, ओ भाई हेलो, ये तो सामने से ही आ गया। नहीं भाई 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 ये तो इतना गंदा है यार, वो ये क्या है? शायद वो जो मैंने अभी पीछे लेटर पढ़ा है ना उस लेटर में शायद इसी के बारे में तो नहीं लिखा था ये, क्योंकि काफी ज्यादा अजीब सा लिक्विड, आई थिंक यही लाइकन है, पता नहीं यार जो भी हो, मेटल स्क्रैप। ओ तेरे भाई अबे तू सीधा मार, नहीं मैं गया भैया, देखो हील करना होगा सबसे पहले अपने आप को। यार ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस है मेरी, ओ यहाँ पीछे कुछ है आई थिंक, ये ब्लास्ट होएगा, कहाँ से आ रहा है भाई, इतनी अजीब आवाज क्यों आ रही है ये? यार ये कितना गंदा साउंड इफेक्ट आ रहा है। ओ भाई मैं इस बार नहीं बच पाऊंगा भाई। तो गाइस देखो अभी ना मुझे एक एक कर यहाँ पर ये जितने भी रेड वाले बॉम्ब्स है ना इनको ब्लास्ट करना है, उसके बाद ना गाइस इसका मुंह खुलता है, मतलब कि अगर इसके पास कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना तो ये देखो इसका मुंह खुलता है और उस टाइम में ना भाई हमें इसके एकदम मस्त स्नाइपर बजानी है। फिश को मारने का कोई फायदा नहीं है,
हमें इसके जो अंदर ये मोरो बैठा हुआ है इसे मारना है। फिलहाल ये मेरे क्लोज आ रहा है, यहाँ पर और भी काफी सारे बॉम्ब्स है। सही टाइम पे सही सिचुएशन देख के मुझे इसे एकदम मस्त तरीके से मारना है। और अभी मैं इसके स्नाइपर नहीं शॉटगन मारने वाला हूँ। शॉटगन मेरी पूरी एकदम रीलोड सेट पड़ी है। आ जा बेटा, ये कहाँ पर गया? ओ आ गया। ओ भाई इतनी तेज भाग कर रहा है ये भाई साहब। कभी कभार तो धीरे चलता हुआ आता है, पर कभी कभार बहुत तेज भागता हुआ भी आ जाता है। फिलहाल कहाँ पर है मुझे उसे देखना पड़ेगा। अभी मेरे हिसाब से ना गाइस वो भाग कर इस वाली साइड पर आने वाला है। ये ले, अभी मैं निकालता हूँ शॉटगन सीधा इसके मुंह पे। एक बजाई, दूसरी बजाई, अरे तीसरी भी बजा दी मैंने। नहीं अभी मेरे को मारेगा ये बहुत गंदा। रुक जाओ, अभी मेरे पास ना एक बॉम्ब और है, मुझे इसका भी एकदम मस्त यूज करना है। आके तो देख बेटा तेरी ऐसे तैसे करता हूँ। किधर से आएगा बट ये बता दियो। ठीक है, वो सामने गया, छत के ऊपर चढ़ गया वो। कुछ तो अजीब, ये कोई स्पेशल पावर यूज कर, ये क्या है? ओ भाई ये क्या था? ओके तो ये इसके एसिडिक रेन है। भाई 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 इससे बचना पड़ेगा वरना ये हमें इससे मार सकता है। मेरे पास कुछ ये लैंड माइंस है, इसको मैं यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी ना ये चल के मेरे पास ही आने वाला है। ये जैसे ही मेरे पास आएगा भाई दोबारा से एसिडिक रेन। अभी मत करियो प्लीज़, एक बारी मत करियो यार, मैं यहाँ पर ना इसके लिए ये माइन लगा दे रहा हूँ। अब जैसे ही आएगा इस माइन के ऊपर इसे चढ़ना पड़ेगा और फिर मैं कटाई कट इसके स्नाइपर बचा दूंगा। इधर हूँ मैं, इधर हूँ। हेलो, हाँ इधर देख, अच्छा आ जा आ जा भाई। आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है। ये रास्ता कैसे बंद हो गया? मुझे यहाँ पे पाइप बॉम्ब डालना पड़ेगा। रुक जाओ, उसके आने से पहले मैं यहाँ पर पाइप बॉम्ब डाल के रास्ता खोल देता हूँ वरना मैं फंस जाऊँगा। इधर पाइप बॉम्ब प्लीज़ दूर जाइए। और लैंड माइन फूट गया, पर उसे कोई, यार लैंड माइन फूटा बट उसे कोई असर ही नहीं हुआ। हेलो, ये फोड़ना पड़ेगा फटाफट से, सब कुछ मैं लेता हूँ भाई। इसलिए मैं कितनी भी बुलेट मार रही हूँ। ओ भाई वो पूरी क्या है यार, ये इतना गंदा मॉन्स्टर। मैं इसके ऊपर अगर पाइप बॉम्ब डालूं तो क्या इसका मुंह खुलेगा? मुझे देखना पड़ेगा भाई। इसने एक तो सारे रास्ते बंद, यहाँ डालूंगा मैं पाइप बॉम्ब ताकि ये काम भी हो जाए। उसका मुंह भी खुल, ओ, 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 ओ भाई ये तो पागल हो गया भाई, ये पागल हो गया। रुक जाओ, मुझे भी और बॉम्ब ढूंढने पड़ेंगे। बॉम्ब, ओ इधर बॉम्ब है, इधर हूँ मैं। मोरो आजा 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 आजा, मुझे मोरो की खोपड़ी खोलता हूँ। रुक जाओ, इसका भूत बनेगा गंदे वाला। आजा आजा आजा, ये ले शॉटगन निकालो। आओ एक तो, ओ, ओ गया गया तो अभी इसके एक दो, एक और ले भाई। हाथ क्यों बाप रहे हैं इसको मारने में? ओ भैया भागो। ओ भाई मैंने अभी क्या करना है? रास्ता तो बंद है यार, मैं जा रहा हूँ यार। नहीं मेरे को साइड से जाने दे, मैं गया, ये खा जाएगा भाई। ओ हीलिंग इम्पोर्टेंट है भाई, हील करने दे मेरे को। ओ बच गया भाई इस बार तो मैं, मेरे को भी यार यहाँ से ना बहुत गंदी तरह बच के निकल। मेरे पास पाइप बॉम्ब नहीं है, मैं उसे क्राफ्ट कर सकता हूँ ना यार, टेंशन क्यों ले रहा हूँ मैं? नहीं क्राफ्ट कर सकता, मेरे पास एमो ही मतलब कुछ है ही नहीं। ये है मेरे पास लैंड माइन और हीलिंग्स, क्राफ्ट कर लेते हैं ताकि मैं एटलीस्ट जिंदा तो रहूँ। भाई भाई ये खाएगा आज मेरे को। तेरी भाई डुबो ही दिया इसने तो पानी में। जाने दे यार, ये अपने पीछे हट जा। ओके मैं इसके इतना क्लोज आके तो ऐसे लड़ रहा हूँ जैसे दोस्त हो ही मेरा बचपन का। जा वापस जा। ओके इसको जगह नहीं मिलनी लग रहा है यहाँ पर, इसको यहाँ पे लड़ने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। ओए ये छत पे फिर से नहीं ओ मैं बच गया भाई। अच्छा उसको पता चल गया था ना जगह नहीं मिल रही, उसने सोचा रुक जा अभी से बताता हूँ। बट सही है मैं सही टाइम पे भाग के इधर आ गया, वरना ये जो एसिडिक रेन है ना ये मार सकती है मेरे को। कोई मारे ना मारे पर ये रेन जरूर मार देगी। और इससे रास्ते अलग बंद हो जाते हैं यार, और रास्ते बुलेट से खुलते भी नहीं है, इसके लिए हमें बॉम्ब चाहिए होगा। वो पड़ी पड़ी, ओ भाई यार कंट्रोल प्लीज फॉर हेल्प प्लीज। नहीं यार मैं कैसे खोलूँ रास्ते? रुक जाओ पाइप बॉम्ब ही नहीं क्राफ्ट कर सकता यार, मैंने ज़्यादा सामान खरीदा ही नहीं यार उससे। रुक जाओ मेरे पास एक आइडिया है, पाइप बॉम्ब मैं इधर लगाता हूँ। काश ये इस पाइप बॉम्ब के ऊपर चढ़ जाए तो मैं बच सकता हूँ। अगर और रास्ते खुल गए ना तो मुझे और भी सामान मिल जाएगा। यहाँ पर भी पाइप बॉम्ब लगा देता हूँ। वो फूटा रास्ता खुल गया होगा। रास्ता क्या, उसका मुँह भी खोल दूंगा अभी मैं। रुक जाओ कहाँ पर है वे? इधर आप, सॉरी मुँह से निकल गई थी गलती से। ओ भैया पूरी ये तो शहर गिरा देगा ऐसे। पिस्टल निकालो, स्नाइपर रीलोड कर लेते हैं। अब तक तेरा हो गया, वो हील करने दे भाई, हील करने दे यार, मर जाना यार इतनी देर तक तो मत लड़।
दोना से कुछ सीख, दो लात में मर गई थी वो तो। ओके भगा दे भगा भाई, पूछ पूछ मार दे, मैं उधर जाके गिर जाऊँ अपना। ये पता है खुद को भी डैमेज कर ले रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है कभी कभी। और वहाँ पर एक बॉम्ब पड़ा है, ये फूटेगा अगर ये उधर से आया ना तो ये पक्का फूटेगा। यहाँ पर काफ़ी सारा सामान है, ये सब मैं उठा लेता हूँ भाई यहाँ पर। अरे भाई यहाँ तैर के आ रहा है वो, हेलो सॉरी भाई, इसे कुछ नहीं मिलता ना भाई, ये तैर के आ जाता है इतनी तेज। रुक जाओ यहाँ से एमो ली मैंने, ये भी ये भी ये भी सब दे दो भैया। हो गया रीलोड करी, अभी थोड़ा सा ना रुक के लड़ूंगा भाई मैं इससे, क्योंकि अपने पास इतनी जान नहीं है। मैं साइड खड़े हो जाता हूँ, रुक जाओ पहले मैं देखता हूँ। बस तीन लैंड माइन हो चुके, ये अच्छी बात है अपने लिए। और अपने अगल बगल कोई बॉम्ब नहीं बचे, शॉट गन की ढेर सारी। मैं ये क्यों नहीं चला रहा हूँ भाई, ख़त्म है अब तो ये। इसको शॉर्टकट में अपनी शॉट गन से रिप्लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। एंड अभी हम लोग इसको शॉट गन की जगह ये मारने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे देख के सोच समझ के इससे लड़ना होगा, क्योंकि अपने पास ज़्यादा एमओ वगैरह नहीं है। यहाँ लैंड माइन है, इसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ। आ जा भाई लैंड माइन पे आ, पड़ रही है उसके। आई थिंक ये मेरे को क्लॉस से ही मारनी चाहिए थी, अगर वो आएगा तो लैंड माइन से वैसे ही जाएगा वो, बहुत सही। अभी इसके एक दो तीन, और अब मेरे को भागना है। भागो 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 भागो, खा जाएगा वरना राक्षस है वो एक नंबर का। बाकी अच्छी बात है कि यहाँ का रास्ता मैंने खोल दिया है यार। और बॉम्ब नहीं है क्या यहाँ पर इतने सारे? यार बॉम्ब थोड़े ज़्यादा लगाने चाहिए थे रेसी वालों, क्या कर रहे हो वो क्या कर रहा है? ओ गया मैं भाई, कब मरेगा? इतने ज़्यादा मैंने उसे डैमेज पहुँचा दिया, मुझे तो लग भी नहीं रहा कि उससे इससे कोई फ़र्क भी पड़ा है। ओ भाई मर जा यार, गया 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 गया। ओके कुछ कुछ सामान ही मिल जाए यार, ये रास्ता बंद पड़ा है, ये वाला रास्ता शायद खुलेगा जी। और भाई ये क्या टक्कर मारी है भाई यार, मेरे को भागने का ही दे दो, मेरे को नहीं मारने से। मेरे को फ्लास्क मिल चुका है, मुझे यहाँ से निकलना है अभी बस। आराम आराम से लड़ूंगा भाई इससे, मैं जल्दबाजी करूँगा तो मरूंगा। आराम आराम से जी, ये यहाँ से आ रहा था तू पड़ी। जब इसके अंदर वाले इंसान के पड़ती है ना तो ये देखो ये लेट सा जाता है। ओ गया भाई, शॉट गन ही बजा दी तुम्हारे भाई ने। नहीं शायद मेरे को लग नहीं रहा ये गया है, ये कुछ अलग मोड में आ रहा है। नहीं मैं ये या तो फटेगा या फिर सब। ओ ओ भाई ओके, क्रिस्टल मोरो मेरे को मिल चुका है, मैंने मार दिया ऐसे। लेट्स गो भाई, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था वो। मेन पता है हमें उसके मुंह पे मारनी थी, जब वो आता है ना अपना वो वॉमिट करने, उस टाइम पे हमें सीधा उसके मुंह पे मारनी चाहिए थी और वो तभी ढेर हो जाता। फिलहाल अभी मेरे को यहाँ से थोड़ी बहुत हब्स मिल चुके हैं, मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ और कुछ कुछ चीज़ें क्राफ्ट कर लेता हूँ भाई। एक तो मेरे को यार कुछ ज़्यादा, मैंने सारा पैसा यार लास्ट टाइम लग रहा है एमुनेशन में ही लगा दिया, बट वो भी तो ज़्यादा नहीं मिली यार, इतनी कम थी मेरे पास। चलो कोई नहीं, फिलहाल सही। मैंने स्नाइपर के जो शॉट्स बजाए थे ना स्टार्ट में, मेरे को लगता है उससे उसे बहुत डैमेज हुआ होगा। फिलहाल इस तरफ में भी एक रास्ता जा रहा है, एंड यहाँ पर की लगानी पड़ेगी, आयरन की नहीं। दिस की वॉन्ट फिट्स इट्स लॉक डेकोरेटेड विद अ सिक्स, सिक्स के आगे क्या लिखा है, सिक्स विंग की। ओके तो यहाँ से, यहाँ मेरे को की मिल चुका है, ठीक है, सिक्स विंग की, ठीक है। शायद यही वाला की वहाँ पे लगने वाला है। इसके अंदर मुझे कुछ कंबाइन करना है मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके हाँ, इसमें कंबाइन ही करना है तो वो अच्छा। वो जो गाइस हमारे पास एक चार वाली की थी ना, अब हमने उसे इसमें कंबाइन करके से टोटल छह वाली की बना दी है। ये कौन है? हाइजन? We just met a while back. ये पक्का हाइजन बग ही है। You're the last asshole in my way, aren't you? You've got fight. I'll give you that, Ethan. भाई ये पूरा रेडी है हमसे लड़ने के लिए। What are you trying to get at? I could lend you a hand. Trying to get on my good side. चैलेंज कर रहा है, इसको पता है हम लोग उससे लड़ने आने वाले हैं। I'd kill you if you weren't worth the trouble. There's a stronghold not too far outside the village. Okay. Go there and get my flask. Do that and you pass. Oh. First, head back to the graveyard. Okay. आगे? Self-centered prick. यार ये तो हमें उल्टा चैलेंज कर रहा है कि जाओ स्ट्रॉन्ग होल्ड और वहाँ से मेरा फ्लास्क ले आओ और मैं तुम्हारा हो जाएगा वो। मतलब ये हमसे लड़ने नहीं वाला, हमें बस वहाँ से जाके फ्लास्क लाना है।
ये नोट शायद से मोरो का है। मदर मिरांडा गेव मी अ रोज जार, नो वन लाइक्स मी व्हिच इज व्हाई आई थॉट दे वुड लीव मी आउट अगेन, बट हाइजेनबर्ग सेड दैट वाज व्हाई वी ईच गेट अ रोज, द सेरेमनी कैन नॉट हैपन विदाउट अस ऑल देयर, मदर डिडंट सीम टू केयर दो, मदर सेड रोज इज अ वेसल, विद अ वेसल मदर कैन गेट हर रियल चाइल्ड बैक, ओके इवन दो शी इज been dead for a very long time, okay, तो ये जो पूरी इस गेम की कहानी रची है ना मदर मिरांडा ने, means ईथर विंटर की बेटी को किडनैप करके वो अपनी बेटी को जिंदा करना चाहती थी जो कि बहुत पहले ही मर चुकी है, और ये बिल्कुल गलत है कि किसी और की जान लेकर किसी और की जान को जिंदा करना, मतलब बिल्कुल ही गलत है, और ये कैसे पॉसिबल है इनके जादुई तरीकों से, बट इफ मदर डज देन व्हाट विल हैपन टू मी, आई एम नॉट अ रियल चाइल्ड, वुड शी अबेंडन मी, ओके यार ये एक तो ये बच्चों वाली बातें करता है यार, ये जो मोरो है ना ये पक्का उसी का लेटर है, नो आई डोंट वांट दैट, नो ये इसी का लेटर है, वही सोच रहा है कि अगर उसकी रियल बेटी वापस आ जाएगी तो मतलब इसको शायद उसने एक टाइप से मदर मिरांडा ने गोद लिया होगा, तो वही सोच रहा है कि फिर वो मेरे को भूल जाएगी या वो ये बावड़ी पूछा से छोड़ो, कह रहा अभी वो बेचारा मारा जा चुका है, वो बहुत ज़्यादा ही शरीफ था यार, बहुत ज़्यादा ही, पर कोई नहीं, वो भले इतना डेंजरस मॉन्स्टर था जिसको भी हमने मारा उसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा थी, बट वो इतना भोला बच्चा था, मैं क्या करूँ यार, वो मर गया। फिलहाल अभी मैं पिस्टल बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग रहा है अभी यहाँ पर मॉन्स्टर वापस आने वाले हैं। फिलहाल अभी हमें जाना है हाइजेनबर्ग से लड़ने, जो कि इस गेम का चौथा मॉन्स्टर है, जिससे हमें फोर्थ फ्लास्क मिलने वाला है, बट उससे पहले हमें जाना होगा ग्रेवयार्ड जहाँ पर सेरेमनी है, और इधर कुछ मैं इधर क्या करने आया, अच्छा इधर रास्ता जा रहा है, मैं पता नहीं किस रास्ते पर जाता जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा, एंड आई थिंक अरे इधर तो मैं एक बार आया था ना, इधर ही तो मोरो था, ये मोरो का रूम है गाइस, ये देखो ये इसका रूम है, बट हम लोग इसके अंदर तो नहीं जा सकते, मैं उल्टा आ गया, मुझे यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा, मेरे को सीधा सीधा जाना है। तो यार देखो मैंने खाली पील ही मोरो के रूम तक चला गया, अभी मुझे याद आया कि मैं इस माइनशाफ्ट में आखिरकार आया कहाँ से था, अब देखो जहाँ से आए हैं वहीं से बाहर निकलेंगे, तो मुझे इतना याद है कि मैंने एक एलिवेटर यानी लिफ्ट पकड़ी थी जो कि हमें इतनी ज़्यादा अंडरग्राउंड बेसमेंट वाली माइनशाफ्ट में लेकर आई थी, और वो जो लिफ्ट ओके तो सामने ही तो थी वो लिफ्ट, में खाली पीली लेफ्ट चला गया, बट यहाँ अंदर जाने से पहले ना मीन्स इस लिफ्ट से ऊपर जाने से पहले मैं काम करता हूँ, मैंने ना गाइस एक बोट देखी थी जिस बोट के ऊपर एक चेस्ट रखी हुई थी, और वो जो चेस्ट है मैं लास्ट टाइम लूट नहीं पाया था क्योंकि मॉन्स्टर से लड़ने में बिजी हो गए थे, और उस तक पहुँचने के लिए मुझे एक बोट चाहिए थी, बट वो बोट वहाँ तक जा भी तो नहीं पा रही थी, अंदर से मुझे किसी और मॉन्स्टर की भी आवाज़ तो आ रही है, यहीं कहीं पर थी यार वो बोट जहाँ तक मुझे याद है, नहीं वो पानी में थी कहीं, तो ओके मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ, भाई यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान है, सही है मैं इधर आ गया, कुछ ना कुछ तो काम का मिल ही जाएगा, फ्लैश बैंग ओके, महंगी महंगी चीज़ें मिल रही है भाई यहाँ पर आने में तो, बट फिलहाल अभी ज़्यादा भी, ओ ये वो चेस्ट मेरे को मिल गई, ठीक है लेट्स गो, तो भी यही चेस्ट मुझे यहाँ से चाहिए, ओ भाई 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 इसको उठा लेता हूँ, भाई ये है क्या चीज़, सिल्वर एंजल स्टैचू, यार इसका मैं क्या करूँगा, नहीं ये ड्यूक को बेच के मैं पैसे ले सकता हूँ, और पैसों से गन एम्युनेशन काफ़ी कुछ मैं उससे खरीद सकता हूँ, और मुझे भी एक सेकेंड, पता नहीं यार इतने अजीब अजीब से साउंड इफेक्ट्स आते रहते हैं ना भाई, सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कोई अभी मॉन्स्टर आने वाला है, एकदम चुपके चुपके से आ रहा है, फिर एकदम झटके से अटैक कर देगा, बट हाँ यहाँ पर अभी कोई मॉन्स्टर नहीं है, इधर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं ना ऑलमोस्ट मैंने सबको मार दिया है, अभी फटाफट से मुझे वाली लिफ्ट पकड़कर यहाँ से बाहर निकलना है जल्दी से जल्दी, और सबसे पहले जाना है ग्रेवयार्ड में, देन मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड में जाना है जहाँ पर मेरे को हाइजेनबर्ग से लड़ना पड़ेगा शायद, हाइजेनबर्ग यार बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा क्योंकि वो फोर्थ मॉन्स्टर है, और दूसरा रीज़न उसने स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें बहुत गंदा मारा था, उसने सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया था, पिक्चर अभी वो शायद दिखाने वाला है, बट हाँ पहले बाहर निकलते हैं, जल्दी चलना है यार इतनी ज़्यादा, ओए नहीं नहीं मजे नहीं लेने, पता चला रस्सी कट जाए पूरे नीचे, ऐसा नहीं होगा वैसे, जल्दी चलो भाई बहुत ज़्यादा नीचे आ रखे थे हम लोग, अब देखते हैं हाइजेनबर्ग से लड़ने के लिए मेरे पास कितना सामान है, कितने वेपन्स है, वैसे ये मेरे पास ये जो दूसरी वाली शॉटगन है ना इसमें पूरी मैं अपनी पुरानी वाली शॉटगन बेच दूंगा, एंड अभी मुझे ओके तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, मैं अपनी नॉर्मल पिस्टल बाहर रखता हूँ, इसको हम लोग कम से कम ही यूज़ करेंगे, इसी रास्ते से शायद मुझे बाहर निकलना है क्योंकि मेरे को लगा कि पीछे भी कोई रास्ता होगा, भाई मैं इन सब जगह पर कब आया मुझे तो याद भी नहीं सही से, ओ भाई 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 कितना डेंजरस आवाज आई यार इससे, ओके लेट्स गो, गेम सेव गेम सेव गेम सेव, ठीक है तो अभी फिलहाल मैंने अपना गेम सेव कर लिया है, लेट्स गो हम लोग यहाँ से निकलते हैं बाहर को, और अभी ये जो जगह है मुझे थोड़ी बहुत पहचान में आ रही है, मेरे पास यहाँ पर लगाने के लिए वो लीवर है क्या मेरे, ओ ये रहा शायद क्रैंक यहाँ पे लग जाएगा, लेट्स गो अभी हम लोग इसे खोलते हैं, एक्चुअली एक क्रैंक है लीवर अलग चीज़ होती है, दोनों को एक ही समझ लेता हूँ, कुछ कुछ मॉन्स्टर की आवाज़ आई है मेरे को साइड से, नहीं नहीं ये या तो क्रैंक से आवाज़ आ रही है रस्ती आयरन की,
या फिर उस तरफ में कोई तो मॉन्स्टर है। नहीं, ये तो खाली रास्ता है, यहाँ पर कोई नहीं होगा यार। यहाँ पर जो है वो एकदम ही बावड़ी पूंछ है। ओह, ये क्रोथ है यहाँ पर एक दो। अरे नहीं, ऐसे ऐसी आवाजें नहीं, प्लीज 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 आराम से। दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता राइट को भी जा रहा था। कोई है? कौन है बे? मारी ऐसे की तैसे करता हूँ अभी। भाई यहाँ पर कोई तो है। ओ, ये चिड़िया वाले, भाई भाई ये नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे क्या दिक्कत होगी भाई साहब। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना खेलो यार। ये अंदर नहीं आते ना घर के। इट्स लॉक फ्रॉम अदर साइड। यार ऐसा मत करो, मेरे को घर में जाना है जल्दी से। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ से मुझे घर में घुसना पड़ेगा आराम से बैठ कर। अरे एंटर हो जा भैया, लेट्स गो। आ गए अंदर। कौन है भाई? अब आ जाओ। ओ तू था, तू पीछे था, पीछे था, पीछे। मैं शॉटगन मार दूँ, मैं मार दूँ। ओ भाई कैसी तैसी करता हूँ, रुक जाओ। शॉटगन निकल गई ना। अब बोल फालतू, आराम से बातचीत चल रही थी ना अपनी, हम आराम से बात कर रहे थे, लेकिन नहीं, झपट्टे मार रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक बुक है और इस तरफ में एक चेस्ट है। ये तो काफी तगड़ी पिस्टल है। इन्वेंटरी का स्पेस खत्म। ओके मेरे को जगह बनानी पड़ेगी, तो मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट। इसको उठाकर हम लोग रखते हैं इस साइड पे, एंड अभी ये वाला जो पिस्टल है शायद ये इधर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके लिए टोटल 4 का स्पेस हमें चाहिए। तो मैं इसको उठा के ना इसे इसको इस तरीके से यहाँ पर यहाँ रख देता हूँ, एंड ये यहाँ आ जाएगा। तो गाइस देखो, बिना स्पेस की बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है, इसलिए मुझे इस बारी ड्यूक से ना कोई बढ़िया वाला ही एकदम बैकपैक खरीदना पड़ेगा, ताकि थोड़ी बहुत स्टोरेज बढ़े। फिलहाल यहाँ पर अब सामान में रखना स्टार्ट करता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पर जो अपनी इन्वेंट्री का स्पेस है वो काफी ज्यादा बढ़िया हो चुका है, और हमें ये एक नई वाली बढ़िया पिस्टल भी मिल गई, और ये काफी ज्यादा अच्छी सी मुझे लग रही है। बट अभी ना गाइस देखो, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ये जो बाहर मॉन्स्टर्स आए हैं मैं कैसे मारूंगा, और दूसरी चीज ये वाली जो गन की एमोज है ये कहाँ पर यूज होने वाली है? मेरे को कोई और गन खरीदनी है, या फिर मैंने पीछे कोई गन मिस कर दी? मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने गन मिस कर दी, वरना एमो मिलती नहीं पहले। मदर मिरांडा गिव मी अ माउंटेन, नाउ आई कैन डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कोडो। कैडो गाइस, वहाँ पर एक कुछ पड़ा हुआ था फ्लास्क में, वहाँ पर भी एक्सपेरिमेंट। दिस इज माई सीक्रेट स्पेशल लेबोरेटरी, आई डिड 3 कैडो एक्सपेरिमेंट्स टूडे, बट दे ऑल वेंट पॉप एंड मेड अ मेस। ओके, आई पुट इन द किडो एंड then I tried putting wolf blood from a needle into the spine. The person wriggled a lot and then killed my assistant. I could not hold it down, so I put it in a cage. Now I have had to feed it. Okay. तो इसने वो जो पीछे कैडो दिखा था, मैं टेबल पे पड़ा हुआ था जहाँ पर हमने लेटर पढ़ा था उसका, वहीं पर शायद इसको रखा हुआ है। फिलहाल मुझे पहले इन लोग को ना एकदम मस्त मारना पड़ेगा, मेरे को इनसे डर नहीं मारा। मैं बाहर निकल के ना पिस्टल भी टेस्ट कर लेता हूँ। आओ भाई कौन सा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो चलो मारी ऐसे की तरफ, तू भी निकल यहाँ से। भाई ये डेंजरस तो है, ऐसी बात नहीं है, और एक ही पिस्टल में। ओ भाई ये तो शॉटगन से भी तगड़ी है। वो ओ भाई ये कहाँ से आ गया वापस? नहीं मैं नहीं मार पाऊंगा, देखो ये पीछे हो। वो ये क्या गजब पिस्टल है भाई, अबे दो में ही ढेर हो गया वो क्रिस्टल बीस्ट। ठीक है, मेरे को यहाँ से क्रिस्टल बीस्ट की वो मतलब क्रिस्टल बीस्ट मिल चुका है। इसको मारने के बाद मैं हैरान हो रहा हूँ भाई, अभी बस और कुछ नहीं कर पा रहा मैं। ये पिस्टल कितनी डेंजरस है, बट इसके अंदर एमो कौन सी लगने वाली है? मुझे यार ड्यूक से रेसिपी लेनी पड़ेगी। फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ पाइप बॉम्ब क्राफ्ट कर लेता हूँ, एंड ढेर सारी तो नहीं, एक हीलिंग क्राफ्ट हो गया, इसे लगा भी लेते हैं ताकि अपनी हेल्थ यहाँ पर बढ़े। मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है ना, मैं इनसे डरने के चक्कर। ओह नहीं, यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आई थिंक मुझे इस जिप लाइन का यूज़ करना है, बट कैसे? नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है जिप लाइन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो जो जिप लाइन है कहीं ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ सामने ले जा रही है हमें एक हल्का सा कदम। वो फिर से मॉन्स्टर्स की आवाज़ आई, है मेरे को कहीं से। तो कहाँ पर हो भाई तुम? आ जाओ आओ, तुम्हें देख लूँ मैं अभी। कौन है भाई? भाई आ क्यों ना रहे हो? इसमें से आवाज़ आ रही है क्या ये? ओके ये गंजा है भाई। अरे गंजे यार, तू इतना डरा क्यों रहा है भाई? पहले बोल देता मैं हूँ, मैं तेरे को गले मिलके मारता। पीछे हो जा पीछे, ठीक है ना, डर नहीं मारा तेरे से मेरे को। फिलहाल यहाँ से मेरे को भाई ये एक नहीं दो नहीं, मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा है यहाँ पर, थोड़ा सा डरना भी जरूरी है। ओ पीछे 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 देखो पीछे, एक दो और ये 3 4 5 6 लेट्स गो। गया, हाफ्स मेरे को मिल चुकी है। ठीक है, ये जितना तो पिटते ही नहीं है उससे ज़्यादा तो सामान ही दे जाते हैं, बट ठीक है जो भी अपना ही फायदा है। मुझे शायद यहाँ से लेफ्ट जाना चाहिए था, मैं खाली पीली सामने चला गया, और यहाँ पर भी कुछ तो पड़ा हुआ है। ओ मरमेड बॉल, ओके मरमेड बॉल कहाँ पे लगने वाली है? अभी सामने एक घर है, शायद इसके अंदर यूज़ होना है क्या इसका? मैं इस घर में, ओ नहीं मैं इस घर में नहीं आया अभी तक। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ यार, एक
कोबे कहाँ से आया? ओ तेरी जमीन से निकला, पीछे हो जा, पीछे रह, ठीक है ना, ज़्यादा चौड़ा होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने इसे लपेट दिया है एंड यहाँ से मुझे मिल चुकी है मैग्नम एमो मेरी स्नाइपर के लिए। फिलहाल इन सबको तो मैंने मार दिया है और अभी मुझे कहाँ जाना है, मुझे वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तो गाइस जहाँ से मैं पीछे से आया था ना, तो एक रास्ता यहाँ पर राइट में जा रहा था, एक लेफ्ट में जा रहा था, मैंने दोनों रास्ते एक्सप्लोर कर लिए क्या? मैं शायद नीचे नहीं आया हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ तो खास मिलेगा, इसको मैं तोड़ता हूँ। यहाँ से मुझे मिल चुका केमिकल फ्लूइड जिससे अपनी हर्ब्स और ये मिलाकर अपनी हम लोग हीलिंग्स बना लेंगे। एंड यहाँ पर मुझे एक व्हील यूज़ करना है। ओ ओ, ये नहीं, ये नहीं, मेरे को यहाँ पर वेल व्हील यूज़ करना है। ठीक है, तो ये रहा अपना वेल व्हील, इसको हम लोग यहाँ पर फिट करते हैं और अभी देखते हैं भाई इसमें से क्या मिलता है। कुछ ना कुछ रेयर आइटम हमेशा मिलता ही है इसके अंदर से। इस बार ही मुझे फ्लैश बैंग मिला है। ठीक है, फ्लैश बैंग आगे चल के काम आएगा मेरे को लग रहा है ज़्यादा ही। ये रास्ते पे मैं अभी तक नहीं गया, बस मैं पीछे पीछे घूमे जा रहा हूँ और अभी मुझे एक नया रास्ता मिला, बट वो रास्ता तो घूम के वापस यहीं पर आ गया है। मैं खाली पीली खुश हो रहा था इतनी देर से। दो तीन रास्ते जा रहे हैं वैसे यहाँ पर, नीचे वाले रास्ते पर मैं अभी तक नहीं गया, यहाँ से नीचे चल कर देखते हैं। मैं ना देखो रास्ते में कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ, मुझे जाना किधर है। हाँ, इधर 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 से भी तो वही रास्ता आ रहा है, पता नहीं, इसे खोल के देखता हूँ। यहाँ पर मुझे मिला 640 ले एंड यहाँ पर ये मरमेड बोल मैंने अभी यहाँ से उठाई, उसके बाद मैं वापस चला गया था। एंड यहाँ से घूम के वो रास्ता वापस यहीं जा रहा है, तो हम लोग यहाँ से जंप मारते हैं। मैं ना यार खाली पीली परेशान हो रहा हूँ, एक बार मैप ही चेक कर लेता हूँ, समझ आ जाएगा। तो अभी मुझे यहाँ से एकदम अपोजिट जाना है इस तरफ में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बीस्ट है, उसको मैंने मार दिया है। एंड रास्ता तो देखो भैया यही है, तो मुझे यहीं से सीधा सीधा जाना है और हम लोग बाहर निकल जाएंगे विलेज की तरफ में। ठीक है, तो अभी मैं जिस तरफ में जा रहा हूँ मुझे उसके अपोजिट जाना है। अभी एक बारी मैं पहले चेक कर लेता हूँ मैं ठीक जा रहा हूँ या बिल्कुल सही जा रहा हूँ। मुझे इस ब्रिज के नीचे से ही निकलना है और अभी सीधा सीधा जाते जाना है अपने विलेज में वापस पहुँचने के लिए। और अभी मुझे रास्ता याद आया ना थोड़ा बहुत, हाँ ऐसा लग रहा है कि मैं इधर नहीं आया था, इधर से ही तो गया था। हाँ, गया तो इधर से ही था, बट मैं इस वाली साइड पे नहीं गया था, यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वो जगह है जहाँ पर मुझे अपनी वो बॉल यूज़ करनी है जो मेरे को अभी मिली है। एक मिनट, वो बॉल 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 ये रही, इसको हम लोग यहाँ पे फिट करते हैं। एंड अभी भाई इस बार तो कुछ अलग टाइप का कासल आया है, ये कासल नहीं एक्चुअली, ये वही वाली विंड मिल आई है। आराम से यहाँ पर से अपनी बॉल मेरे को निकालनी है, बस बस बस। ओके, इसके अंदर अटकानी थी। ठीक है, पीछे कर लेता हूँ मैं, कोई झटके से कहीं पर भी गिरेगी ना सीधा पार हो जाएगी अगर बाउंड्री नहीं हुई तो। ओके, लेट्स गो, इस होल में जानी है ना, होल में जानी, एक मिनट एक मिनट, अरे चल ले भैया। ओके, यहाँ भी आ गई, अभी मेरे को इसे लेकर जाना है पीछे, वहाँ से गिरेगी तो नहीं ना भाई। इधर देखो टूटा हुआ था बट हमने अपनी बॉल को बचा लिया, मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा। अरे दिख ही नहीं रही है वो, ये रही, ये रही, ये रही। ठीक है, दिखी, इसको लेकर जाना है नीचे, यहाँ से मुड़ना है राइट, फिर ले जाना है नीचे, बस बस बस, यहाँ से ले जाना है लेफ्ट, फिर से मेरे को इसे ले जाना है आगे। भाई ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है बट हाँ थोड़ा सा अलग है उन सब से। ओके 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 गाइस, फाइनली हम लोग इसको फाइनल गोल तक लेकर आ चुके हैं और अभी देखते हैं इस बार हमें कौन सा क्रिस्टल। ओके, तो इस बार कुछ मेरे को अलग मिला है, चार्टिस स्कल, पता नहीं मैंने सही पढ़ा या फिर नहीं, चार्टिस पता नहीं क्या था, खैर छोड़ो, ये चीज मेरे को मिल चुकी है। मैप के अकॉर्डिंग मुझे जाना है सामने को। ठीक है, ये वाला जो गेट है ना शायद ये खुल जाना चाहिए। ओके, हाँ तो मुझे बस इसे अनलॉक करना है और यही है अपना बाहर निकलने का रास्ता फिलहाल के लिए। मेरे को बिल्कुल नहीं याद मैं इस रास्ते से इस जगह पे कब आया, बट हाँ मैं अभी यहाँ से बाहर आ चुका हूँ, वो सही है। दिस वे, ये किसने लिखा है? फिलहाल कासल देखो काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, मुझे इस तरफ में जाना है, बट ये दिस वे किसने लिखा, ये मैंने आज से पहले नहीं पढ़ा, मैं इस जगह पे आया हूँ अभी, मेरे को जगह पहचान में आ गई है, यहीं से अपना गेम स्टार्ट हुआ था, यही है विलेज। बट दिस वे पापा, ये मैसेज रोज की तरफ से कोई भेजना चाह रहा है हमें, दिस वे से क्या मतलब, उधर या इधर? इधर एक बारी पहले चलकर देख लेता हूँ क्योंकि मेरे को लग तो रहा जाना उधर ही है, बट इधर मेरे को एक गेट दिखा था ना, मैं इसमें ये वाली की क्यों लगा रहा हूँ? हेलो, कोई खिड़की विड़की है क्या अंदर? मेरे को इसमें लगानी है ये वाली की लगेगी, डेमेट्रस की नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके अंदर आयरन की लगनी है। ठीक है, अभी मेरे को ये गेट पहचान में आ गए हैं, इसके अंदर आयरन की लगेगी हमेशा। यहाँ पर ये बॉक्स पड़ा है, इसमें से मुझे मिल चुके हैं एक्सप्लोसिव राउंड्स। यार ये एक्सप्लोसिव राउंड्स मेरे को यूज़ कैसे करूँ, उसके लिए मुझे एक एक्सप्लोसिव वेपन भी तो चाहिए होगा ना, और मुझे लग रहा है या तो मैंने एक्सप्लोसिव वेपन को ख़रीदना पड़ेगा या फिर मैंने एक्सप्लोसिव वेपन कहीं पीछे मिस कर दिया है। ये जगह पे मैं आया हूँ क्या? नहीं, इस रूम में मैं पहली बार आ रहा हूँ, मैं 100% श्योर हूँ इस रूम में मैं पहली बार आ रहा हूँ, बट इस रूम में कुछ तो है भाई, यहाँ पर कुछ, ओ यहाँ क्या, केमिकल फ्लूइड, लेट्स गो इसे उठा लेते हैं।
कुछ तो अलग लोकेशन लग रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ऐसा निकलो बाहर, कुछ भी काम का नहीं है। हमें बस वही रूम अच्छा लगता है जिसमें से मुझे कुछ काम का मिले, बाकी सब कबाड़ है यहाँ पे। फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, अगर वहाँ पे लिखा है दिस वे पापा तो उधर ओके, मेरे को इधर ही आना था। रोज इज वेटिंग फॉर यू। भाई तुम कौन हो? एक भाई ये रियल गोट कहाँ से आ गई? हेलो, काफी प्यारी, नहीं प्यारी तो बिल्कुल नहीं है भाई, ये तो बिल्कुल ही मार दूंगा मैं दूसरी वाली पिस्टल, पता है ना उससे तुम्हारे चाचा को मार के। पीछे हट जा भाई, ये जंप कैसे कर रही है? पीछे हो, ओके पढ़ रही है उसके भटिये, बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। तुम आए कहां से भी? कौन पाल रहा है तुम्हें? इतने तगड़े तगड़े इंसान मर गए, मॉन्स्टर्स मर गए, गन थी उनके पास, तुम कैसे जिंदा हो? मुझे इन्हें मारना पड़ा गाइस, पहले इन्होंने मुझे डैमेज पहुंचाया था, और ये जो मीट मिला है ये मैं बेचूंगा ड्यूक को, और पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। द शो मस्ट गो ऑन। इस तरफ जाना है, अंदर जाके एक बार ही देखूं ये जगह कहाँ जाने वाली है। ओके ये कासल का रास्ता है, हम लोग ऑलरेडी इसे एक्सप्लोर कर चुके हैं। यार ये जगह कैसी थी और कैसी सी हो गई है, काफ़ी सारे चेंजेस मेरे को इस जगह पे लग रहे हैं। एंड आई थिंक ये वाला जो रास्ता है यही हमें लेकर जाने वाला है खतरनाक हेजनबर्ग के पास। की इसके अंदर फिट हो गई है एंड गेट भी जो है खुल चुका है। लेट्स गो हेजनबर्ग, मैं आ रहा हूँ तेरे से लड़ने के लिए। गुड लक। ओह भाई गुड लक, गुड लक। चुपचाप चुपचाप को, ओह मेरे को पता है यहाँ कुछ होगा। कहाँ से? तुम में से कोई बोला क्या? यार मॉन्स्टर ऊपर बैठा है, कहीं से आवाज तो आई है बट दिखा नहीं कोई। पता नहीं यार क्या सीन है इन लोग का। आवाज आ रही है फिर भाई, आवाज तो देखो कहीं से आ रही है, बहुत ज्यादा खतरनाक, बट मेरे को कोई मॉन्स्टर ना नजर नहीं आ रहा आसपास। अबे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ओ भाई, एक दो तीन चार पांच, कितने सारे मॉन्स्टर आ गए। और ये कौन है? ओ गंजे तेरी ऐसे की तैसे, ओ तेरी, ओ भाई पीछे कब आया तू? निकल यहाँ से भाई साहब, ये तो बहुत सारे आ गए हैं। शॉटगन निकाल लेता हूँ अभी इनकी इकड़ी। रुक जाओ, शॉटगन नहीं, ये बच्चों को शॉटगन से नहीं मारा जाता, पागल हो क्या? शॉटगन कौन मार रहा तुम्हें? रुक जाओ, मार मत तेरी। वो ये ले, अब मार के दिखा भाई साहब। छोड़, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, पड़ी ना दोनों के, तब आराम से बातचीत चल। अबे मरे नहीं, पीछे हो जा, तू भी पीछे हो, तो और पीछे रह भाई। ये पागल हो गए हैं भाई, निकल जाए यहाँ से। गया, पिस्टल की एमो भी गई। रुक जाओ मैं पहले अपने आप को हील करता हूँ, मेरे पास हीलिंग आइटम्स मेरे को बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। एक दो तीन, एक ही बन पाएगा, ठीक है एक तो बन गया एटलीस्ट। हील करते हैं पहले अपने आप को, क्योंकि अभी इनसे अपनी बहुत गदर लड़ाई होने वाली है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। आ जा बेटा, निकलेगा यहाँ से। पीछे रह। खाली भी लिया उसने मेरे को, मार के मेरी हेल्थ कम कर दिया। अच्छी खासी फुल हेल्थ में मैं यहाँ तक आया था। यहाँ से मुझे और मेटल स्क्रैप्स मिल चुके हैं, मुझे यहाँ से आगे बढ़ना है। और यहाँ से भी मेरे को कुछ मिला बट मैंने देखा नहीं क्या है। एंड ऊपर की तरफ में, ओ तेरी एमो खत्म। रुक जा, नाइफ तो मारूंगा नहीं, स्नाइपर के चटकारे देता हूँ। रुक जाओ, आ जा, कहाँ पर है? पीछे हो भाई, ये है ना मस्त, एक बुलेट में खेल खत्म, लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पर भी दो रास्ते जा रहे हैं, एक रास्ता जा रहा है लेफ्ट को, बट मुझे लग रहा है रास्ता घूम के वहीं जाने वाला है, बिल्कुल सही था मैं। एंड यहाँ पर कुछ पड़ा है, इसे तोड़ते हैं। इसमें से मुझे और मैग्नम एमो मिल चुकी है, अभी मैं थोड़ी स्नाइपर ज़्यादा यूज करने वाला हूँ, क्योंकि ओ तेरा चलाऊँ अभी धनुष बाण। ये पिटेगा, ये इसका भूत बना दूंगा मैं। आ जा फक तेरी, और तू और आ जा, चला के दिखा दे। ओ तेरी, मार दिया इसने। रुक जा, ले निकल यहाँ से। स्नाइपर काफ़ी सही है भाई, स्नाइपर अभी इनके बजेगी ना, तब इनकी अकल ठिकाने आने वाली है। यार पिस्टल की लेकिन ना थोड़ी बहुत एमो मेरे को क्राफ्ट करनी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट हाइजनबर्ग से लड़ने आ गया यार, मैं ड्यूक से तो बात करने गया ही नहीं। मेरे को वहाँ से काफ़ी सारी एमो खरीदने को मिल जाती यार, गन्स वगैरह मैं ले सकता था उससे, बट नहीं मैं सीधा यहाँ पर लड़ने आ गया इससे। फिलहाल अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आसपास कोई ना कोई मॉन्स्टर है, क्योंकि इधर ये रेड वाला बॉक्स पड़ा है, कि शायद उस मॉन्स्टर को डैमेज करने के लिए यहाँ पर रखा होगा रेजिडेंट एविल वालों ने, पता नहीं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ को जाता जा रहा हूँ मैं? मेटल स्क्रैप। ओ हेलो, मारियो मत मेरे को, ठीक है निकल यहाँ से। ये एक तो ये बो एंड एरो जो लेकर आया ना, ये कुछ अलग ही है। फिलहाल यहाँ पर ये भी था, तू भी निकल। मैं इस बॉक्स को अभी यूज़ कर दूँ या फिर किसी मॉन्स्टर को मारने के लिए यूज़ करूँ, पता नहीं यार। बचाओ, स्नाइपर की एमो खरीदूंगा भाई, बस मैं ड्यूक से एक गोली में खेल जो खत्म हो रहा है भाई।
क्या ही मजा आ रहा है। मैं पिस्टल की एमो बनाता हूँ पहले, बातचीत वरना अपनी चलते रहेगी। ओ भाई काफ़ी कुछ मिल चुका है मुझे। सबसे पहले यहाँ पर ये वो जो नई वाली गन मिली थी उसकी भी रेसिपी मेरे को खरीदनी है ड्यूक से। फिलहाल कुछ हीलिंग्स मैं बना लेता हूँ, शॉटगन की भी एमो क्राफ्ट कर लेते हैं। सारा गन पाउडर अपना यूज़ हो चुका है, अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना पाऊँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जब क्लोज में बंदा आ जाता है ना तो यार शॉटगन और पिस्टल ही काम आती है ज़्यादातर। फिलहाल यहाँ पर ओके, तो मुझे इस लीवर को पीछे खींचना है ताकि यहाँ का गेट खुले। हाइजेनबर्ग जो मॉन्स्टर है ना गाइस, वो एक मॉन्स्टर नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान ही है बट विद स्पेशल पावर्स। कौन आ गया भाई? वो एक दो तीन चार, तो तुम्हें मस्ती सूझी हुई है भाई, पता है तुम पिट जाओगे। रुक जाओ, निकलो यहाँ से सबके सब, अभी 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 काम आएगा। नहीं इतनी देर से देख रहा हूँ, आ जा ये ले, निकल यहाँ से। मैं तभी इसे पहले नहीं यूज़ कर रहा था। ओ जिंदा है तू, तू जिंदा नहीं है, तू जिंदा नहीं रह सकता। पीछे रह, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, ठीक है ना। किसी को बदमाश बनने, आ जा बेटा, निकल यहाँ से भाई साहब। इसमें अलग चोड़ मची पड़ी है, चलो इनको मारा, अभी मेरा सामान का जुगाड़ हो जाएगा। सही है, तुम सही टाइम पर आए थे। ढेर सारे मेटल स्क्रैप सब कुछ मेरे को मिलने वाला है। यहाँ पर लीवर मैंने ऑन कर दिया, मुझे वो वाला लीवर भी ऑन करना है, तब ये वाला जो गेट है ये शायद खुल जाएगा। तो तुम आते ही रहोगे क्या? रुक जाओ, तुम्हारी हेकड़ी मैं ऐसे बाहर करता हूँ ऐसे। ओ तेरी भाई, इसको तो बीच रास्ते में ही दे दिया। ओ ओ ओ ओ मस्ती मस्त पीछे, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। ओ तेरी, ओ गया मैं। ओ भाई शॉटगन, ओ मैं मारी देगा तो। पीछे हट, गए ना सब। बट पिस्टल, पिस्टल में तो एमो ही ना है। पहले इसको उठाओ भाई, सामान तो मेरे को इनसे मिल जाएगा बट हाँ ये आते ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा यहाँ पर। फटाफट से अपना काम करके जितनों को मारा है इनसे सामान उठा लेता हूँ भाई पहले मैं। तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, और ये यहाँ से कुछ मेरे को काम का मिला। एक मिनट बैक, ओके तो यहाँ पर पिस्टल का एमो है बट अपनी इन्वेंट्री में स्पेस नहीं है। ढेर सारी लॉक पिक है, मैं इसे बेच सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मेरे पास ये जो हीलिंग है ना मैं इसे यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। फिलहाल यहाँ पर काफ़ी सारी पिस्टल की एमो है, ये भी मेरे को उठानी है। अपनी वाली पिस्टल रीलोड कर लेता हूँ ना, ऑटोमेटिकली एक मैगजीन खाली हो जाएगी और दूसरी वाली उठ जाएगी। ये लगाया ना मस्त एकदम दिमाग। फिलहाल अभी मेरे को यहाँ से ये लेडर्स चढ़कर ऊपर जाना है, और वो जो दूसरा वाला लीवर है वो भी मुझे ऑन करना पड़ेगा ताकि अब जो है ये वाला गेट खुल जाए हाइजेनबर्ग तक पहुंचने का। उसने कहा था फ्लास्क यहीं पर ही पड़ा हुआ है, बट स्ट्रॉन्ग होल्ड की जो उसने बात करी थी वो स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ पे है? खुल रहा है ये गेट काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से, स्लोली स्लोली खुल रहा है, और जैसे ये गेट खुलेगा हाइजेनबर्ग आएगा मुझे मारेगा। मैं रेडी हूँ, आजा, गेट खुलने वाला है ना, मैं रेडी हूँ। तू मार लेगा मेरे को मालूम है, बट मैं भी मुँह तोड़ूंगा। फिलहाल यहाँ से मुझे स्नाइपर एमो काफ़ी सारी मिल रही है, और ये रास्ता ठीक है, रास्ता कहीं नहीं जा रहा। एंड फाइनली वाला जो गेट है वो खुल चुका है, लेट्स गो। ये है हाइजेनबर्ग का घटिया सा कासल जहाँ पर बस कौवे उड़े जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे आगे बढ़ते, गेट खुला हुआ है भाई, कोई भी नहीं है, मारो यार कुछ। यहाँ पर अटैक करवा देना चाहिए तब तक मेरे ऊपर, पर पता नहीं। ओके यहाँ पर पाइप बॉम्ब मिला है मेरे को, इसके अंदर से ढेर सारे ले मिल चुकी है। एंड यहाँ पर मेटल स्क्रैप्स, यहाँ पर भी नए वाले, अब तो महंगे वाले बॉक्स आने लग गए भाई। पहले एकदम ऐसे अलग अलग से डब्बे थे, थोड़े अलग डब्बे आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर हम अपनी गेम सेव कराते हैं, लेट्स गो। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं यहाँ से ऊपर। बड़ी घटिया सीढ़ियाँ बनवाई है, पैर अटक जा रहा है बार बार ही आने में भाई। इतनी बेइज्जती कर रहा हूँ हाइजेनबर्ग की, बहुत गंदा मारने वाला हूँ मेरे को लग रहा है, क्योंकि ये जगह बाकी जगहों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ पर नीचे एक ये वाला बॉक्स पड़ा है, मुझे इसका यूज़ इनको मारने के लिए करना है। ओके आई एम रेडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मजा। ओ तेरी, यहाँ इतनी पास नहीं आने के लिए बोला था मैंने, रुक जा पीछे हट पहले, ठीक है आराम से सुना कर पूरी, पहले आ जाओ बोला था, पर दूर आने के भाई क्या बंदर है क्या भाई, एकदम मस्त एकदम कैसे आ रहे हैं, रस्सियाँ लटक लटक के टार्जन हो रहे हैं तो बिल्कुल ही। ओ भाई रुक जाओ ये थोड़े थोड़े से हैं भाई, इनमें ताकत है भाई, तुम्हें है ताकत, सही ट्रेन करा तुम्हें हाइजेनबर्ग ने। पर लो पाइप बॉम्ब खाओ थोड़ा सा, ये लो एक और पाइप बॉम्ब लो, स्वाद बताओ कैसा है उसका। पीछे 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 शॉटगन, भाग यहाँ से तू भी भाग यहाँ से, और है दो एमओ और बची है, एक ये मारी दूसरी ये मारी, इसे रीलोड कर लेता हूँ फटाफट से। अच्छा 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 रेडी रेडी रेडी, पीछे हो तू ठीक है, एक रीलोड हो चुके, कहीं सोच रहा है पूरी छः रीलोड।
सकते हैं इसकी, बहुत बहुत कुलाड़ियाँ मार रहे हो। मेरे पास भी है, मैं भी मारूंगा। कोई बचा यहाँ पर ना, मेरे को इन्हें मारने के लिए बॉम्ब यूज़ करने चाहिए थे, बट ठीक है, वो बाद में अगर कोई मॉन्स्टर आता है उसे मारने के पीछे। भाई क्या ही घूम के इसके मस्त शॉट मैंने दिया है। अरे भैया इसमें अलग ही मस्ती चढ़ी हुई, आ जा बोल अब फालतू तू, आ गिर ले, खत्म हो गया, गुड बाय टाटा। ओके सब ढेर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यार क्या ही सस्ते से मॉन्स्टर्स हैं ये, बस एमो वेस्ट करवाने आते हैं मेरी, बाकी तो कुछ कर तो पा नहीं रहे, छू तक नहीं पा रहे हैं लोग मेरे को भी। जब कोई छूने वाला आ जाएगा ना तब हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक विंडो है। अब एक नॉन स्टॉप क्यों आ रहे हो यार, एक बार में आ जाओ, जितने आने हैं। सारी शॉटगन की एमो वेस्ट करवा रहे मेरी, भाग यहाँ से, ये फोड़ दे रहा हूँ मैं, लेकिन वो बहुत दूर है। ले हुआ तेरे को कुछ असर? अबे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। मारेगा भाग यहाँ से, लेट्स गो, आजा। गया बेचारा, गया। अभी क्राफ्ट करते हैं हम लोग एमो फटाफट से, मुझे शॉटगन की एमो क्राफ्ट करनी है। ठीक है, शॉटगन की इतनी ज़्यादा कर लेगी, बाकी एमो क्राफ्ट नहीं हो सकती। पाइप बॉम्ब क्राफ्ट कर लेते हैं, हीलिंग क्राफ्ट कर लेते हैं। एक्सप्लोजिव एमो मैं खाली पीली क्राफ्ट नहीं करने वाला, वो तो उल्टा मैं सेल कर दूंगा भाई ड्यूक को। यार ये तो एकदम ही नॉन स्टॉप आते जा रहे हैं भाई, क्या हो गया, क्या दिक्कत होगी भाई साहब? एक मिनट रुक जाओ, शॉटगन की 6 एमो खरीदी है, इन्हीं के ऊपर अभी उतारनी पड़ेगी। आ जाओ, एक दो चले गए एक में ही, आ जा तू भी आ जा, तीनों जाओगे अब तुम्हें। ये लो तीनों के पड़ी, ये भी लो। वो पीछे से धप्पा नहीं करते। अरे भैया पीछे से मार रहे हैं, एक तेरी ऐसी की तैसी। एक दो तीन, ये गया। अभी सामने की तरफ में एक इसके पड़ेगी, ये ज्यादा नहीं खाएंगे, इनके शॉटगन तो मैंने इन्हें मारी थी। वो वो हील करने दे भाई, एक मिनट, हीलिंग्स है भाई, हील करना पड़ेगा पहले, और तुरंत हीलिंग लगानी है और इनसे भागना है। ये हो चुके हैं पागल, हाइजेनबर्ग में खुद तो दम है नहीं, इन सबको भेज रखा अपने चेले चपाड़ों को। रुक जाओ अभी इनके पड़ेगी ना रख रख के, तो इनको समझ आने वाला है। हो गया, अभी वापस लेटे रहो, उठने का नहीं है दोबारा, तू भी निकल यहाँ से भाई। मतलब हाइजेनबर्ग इतना डरपोक है, मुझे मालूम ही नहीं था भाई, क्या ही बोले। कुछ भी हो गया, अब ले ये बता कैसा था। काली बिल्ली तू निकल भाई गंजे, ये शक्ल अच्छी नहीं लग रही मेरे को। ओ पीछे हो जा, चल यहाँ से। क्या बिना स्कोप खोले भी मारना चाहिए था यार इस गेम में, बिना स्कोप खोले नहीं मार पाते हम लोग। वैसे पड़े तो भाई कटाई कट जितने आ रहे हैं ना उतनी बुलेट में सारे गिरते जाएंगे, पर सेकंड एक बंदा डाउन। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, वरना मुझे मालूम पड़ चुका है ये यहाँ पर आते ही रहेंगे और मेरा टाइम ख़राब करते ही रहेंगे। जितने स्क्रैप्स हैं ना सारे लूँगा। तो यार देखो सीधी सी बात है, मैं ना खाली पीली इनसे लड़ने में लगा हुआ हूँ, फटाफट से यहाँ से मैं एमो उठाता हूँ और ऊपर की तरफ में ये जो है ना इसको यूज़ करके मुझे यहाँ से निकलना है। ये जिप लाइन है, फटाफट से हम लोग आ चुके हैं सीधा सामने वाली साइड पे। एंड ये तो वापसी का रास्ता था भाई, मैं उल्टा तो नहीं आ गया? नहीं, यहीं से तो सीढ़ियाँ जा रही है। ठीक है अब फटाफट हम लोग इन सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चलते हैं, ये ऊपर भी आने वाले हैं इसलिए पिस्टल वगैरह मैं रीलोड रखता हूँ। मैं आकर ओ ऊपर चढ़ गए, वो मेरे से पहले ही चढ़ गए। ओ भाई ये पागल हो गए भाई, रुक जाओ ये मेरे पास हैं, इनको दूर से निपटाना होगा मुझे। ये ले गया एक, ये भी गया, पास मत आओ भाई, दूर से लड़ते हैं ना हम, तुम दूर से क्योंकि कुछ कर ही नहीं पाते। ओ गया भाई, ये ले जाएगा की शक्ल। अरे रीलोड, एक बारी मेरे को ना हीलिंग और क्राफ्ट करनी पड़ेगी क्योंकि अभी ना अपनी भी हालत एकदम फुल एकदम मरने वाली सी हो चुकी है। यहाँ पर ये रीलोड करी, पीछे हट, आजा एकदम क्लोज आके पीछे हट, ये करी, तू और आजा, रुक जा तेरे स्नाइपर दूंगा मैं, निकल यहाँ से। हाँ नहीं दिमाग ख़राब कर रखा है। ओके यहाँ पर लास्ट एक दो मॉन्स्टर्स और बचे हैं, फटाफट से इसको मार के ना मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, मतलब कि आगे बढ़ता हूँ। बाहर तो खैर क्या ही निकलना है, मुझे कोई आइडिया नहीं है रास्ता मुझे कहाँ पर लेकर जाने वाला है। ओ भाई ये तो और तगड़े वाले आ चुके हैं, रुक जाओ, अब बारी है लैंडमाइन की। इतनी देर से मैं सोच रहा था कि नहीं यार इनको ना इस तरीके से नहीं मारूंगा, ये कुछ ज़्यादा हैवी तरीका हो जाएगा, बट अभी इनका खेल ऐसा ख़त्म होगा ना देखना। लैंडमाइन मैंने पूरे में लगा दिए हैं, अपनी शॉटगन रीलोड कर लेता हूँ। दो लैंडमाइन फूट, ओ तेरी तू बचा है ना, तेरा हेलमेट तो गया, तू क्या कर लेगा मेरा भाई? पहले मैं एक टाइम था इससे मैं कितना डर रहा था, बट अभी मुझे स्नाइपर की ताकत का पूरा अंदाजा हो गया है। क्लोज में स्नाइपर दिक्कत दे जाती है बस।
पीछे हटो सबके सब, तू भी पीछे हट, और तुम तो स्पेशली जाओगे अभी पकती रही ऐसी की तैसी, तू भी निकल यहाँ से। लास्ट ये लास्ट बावड़ी पूंछ बचा, पीछे पीछे हो, पीछे पीछे पीछे, इतनी ताकत। ओके परफेक्ट क्रिस्टल स्कल भी मेरे को यहाँ से मिल चुका है, लेट्स गो, ये भी मैं यहाँ से कलेक्ट करता हूँ, इसको कर लेते हैं रीलोड फाइनली। अभी कोई बचा है फालतू बंदा मेरे से लड़ने के लिए? भाई दिमाग खराब कर दिया यार इतनी सी देर में। ठीक है तो चलो यार अभी फिलहाल हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर। कसम से यार एक एक करके इतने सारे मॉन्स्टर्स भिड़े हैं ना हमसे, दिमाग खराब हो गया भाई। तो गाइस देखो अभी ना मुझे यहाँ से ये मैग्नम राउंड्स उठाने हैं जो कि लगते हैं उस नई वाली पिस्टल में जिसने उस बड़े से वुल्फ को भी दो बुलेट में ही मार दिया था। और उस एमो को उठाने के लिए बस इन्वेंट्री में स्पेस नहीं है, ये स्पेस बन जाता मैं काम करता हूँ जो एक्सप्लोसिव राउंड्स है ना इसको मैं भाई अभी यहाँ से उठा के फेंक देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है यार इसे रखने का। या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ हीलिंग्स यूज़ कर लेता हूँ ऑटोमेटिकली स्पेस बन जाएगा और ये मैग्नम एमो भी मैं उठा लूँगा। यार मैं ड्यूक के पास मेरे को पहले जाना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। एक फ्लास्क जो मेरे पास है ना वो भी मुझे उस जगह पे लगाना था, फिर हाइजेनबर्ग से आना था लड़ने, बट कोई नहीं अभी आ चुके हैं तो मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर अब हाइजेनबर्ग से लड़ेंगे, उसको मार के चारों मतलब कि दोनों फ्लास्क एक साथ लेकर जाएंगे और खेल ख़त्म करेंगे हाइजेनबर्ग का भी। फिलहाल मेरे को यहाँ से ढेर सारा सामान मिलता जा रहा है। एरिया कोई बहुत ज़्यादा ही खतरनाक मॉन्स्टर नीचे है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, या तो बहुत सारे हैं या फिर कोई एक ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई, अबे ये कैसी सी जगह है। हाँ भाई एक दो तीन चार पाँच छः, भाई 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 बहुत गलत हिसाब है। अगर मेरी इनसे लड़ाई ना होना तो बढ़िया रहेगा, मैं चुपचाप निकल जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है। ओके मैं शायद निकल सकता हूँ यहाँ से, ठीक है साइड से हम लोग आ गए हैं, मेरे पास भाई जगह बिल्कुल नहीं है, मैं हीलिंग्स भी नहीं उठा पा रहा। खैर छोड़ो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये जो हीलिंग्स ऐसे यहीं पर रखे रहने देते हैं, हम लोग इसे बाद में आकर यूज़ कर लेंगे। एंड मैं यहाँ पर अपनी गेम सेव करवा के यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब बस ये पीछे वाला रास्ता बंद ना हो जाए, वैसे ऐसा होता नहीं है बट कोई बॉस फाइट होती है ना तो उस टाइम पर हम लोग एक ही जगह पर लॉक हो जाते हैं। फिलहाल अभी मैं और आगे आ चुका हूँ, यहाँ पर तो कुछ ना कुछ अमेजिंग खतरनाक सा होएगा ऐसा मेरे को लग रहा है, कुछ तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। ये ओ भाई ये तो बॉस फाइट है। नहीं 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 तू नहीं मर रहा क्या, मैं तेरे स्नाइपर मारता हूँ, रुक जा मेरे सर पे मत मार दियो। ये तो थोर फेल कर रहा है यार, ये थैनोस जैसा आदमी, खुद दिखता थैनोस जैसा है, मतलब थैनोस वाला साइज है इसका। और ओ भाई मैं गया वो कहाँ, ओ तेरी पीछे हो पड़ी इसके, इस स्नाइपर खाएगा एक मेरे को मालूम पड़ चुका है। बट उससे पहले मैं इसको दूंगा लैंड माइन का झटका हल्का सा, ये मैंने लगाया लैंड माइन और अब इसको मैं मारूंगा मैग्नम एमो। तो हम लोग अपनी जो दूसरी वाली गन है इसे कर लेते हैं क्यों, आ जा बेटा आ जा पहले फूटेगा तेरे मुंह पे पटाखा। वो ये क्या था, इसको पता ही नहीं चली वो तो। एक मिनट रीलोड यार मेरी, इसने पड़ी कैसा लगा हा? ये ले एक और, ये अब रुक जा ये बताइयो ये कैसी थी, ये एक और ले खाए जा रहा है तो बच गया। इससे भाई बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा भाई, ये खा जाएगा पक्का। बिच गया क्या, मेरे को लग रहा मर गया। अबे मरा नहीं, और बुला लिया उसने अपने चेले चपाड़े। रुक जाओ इससे लड़ने के लिए मेरे पास क्या क्या है, शॉटगन का एमो मैं बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। ठीक है अभी शॉटगन के एमो को मैं रीलोड करता हूँ पहले, और आ गया ये रुक जाओ स्नाइपर मारनी है अभी मेरे को, इसको इतना तो समझ आ गया है स्नाइपर इसके पड़ेगी ना इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। पर एक शॉटगन खा के बता, आई ये रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा, पागल है क्या गंजे भाई इतना बड़ा। गया मैं, लास्ट ये हील है मेरे पास, इसके अलावा कोई हीलिंग्स भी नहीं है। इसको बस मैं मारने पे फोकस करता हूँ और बचने पे ताकि ये भी मेरे को मार तो ना पाए एटलीस्ट। आजा वो तेरी, वो पूरा पिलर ही उखाड़ दिया। ओ भाई मैं पिलर का कवर ले रहा हूँ, उसने पूरा पिलर ही तोड़ दिया। ये हाइजेनबर्ग का सबसे बड़ा चेला है, मतलब उसका बॉडीगार्ड है। चेला मैंने नहीं बोला भाई, मुँह से निकल गया वो। भाई ये हर बारी हाइजेनबर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए आता है ना, पहले तो इसने मेरे को छोड़ दिया था एक बारी जब मेरे को पहले मारने जा रहा था,
दिल का अच्छा है भाई, तू छोड़ दे यार। भाई साहब एक और ले, एक और ले, मर जा। अबे यार तुम कहाँ से आ रहे हो, जा तू अपना वहीं रह। गया। ओरे भाई जाओ, शॉट गन एक एमओ के साथ पीछे हट। और एक और ले, उठियो मत, वापस उठियो मत, मैं अकेले लड़ूंगा उससे, रुक जाओ। एमओ क्राफ्ट करते हैं, लेट्स गो। एमओ नहीं, लैंडमाइन क्राफ्ट हो जाएगा, और हीलिंग्स कुछ क्राफ्ट करनी है, वो छोटे वाले मॉन्स्टर्स को ही मार के होगी। स्नाइपर रीलोड करता हूँ, टाइम आ चुका है अभी इसको एक और शॉट देने का, एंड एक और शॉट देने का, ये एक प्यारा वाला शॉट देने का। भाई उसके जब पड़ती है ना पूरा हिल जा रहा है, ये देखो इस स्नाइपर पड़ती है, ये अभी देखना, एक दो तीन और रीलोड, तीन एमओ। ओ भाई ये क्या था, ये पागल हो गया भाई, पूरा पागल हो गया ही। ये ले, बच गया मेरे पास यार, देख स्नाइपर एमओ भी ज़्यादा नहीं बची है। अंकल जी मर जाओ यार। अबे कितनी तेज मारा है इसने, पागल है क्या भाई तू, ये ले गया। ओ भाई मेरे को नहीं लग रहा था मैं बचूंगा। ओ भाई साहब क्रिस्टल हैमर मेरे को मिल चुका है यहाँ से, और आगे का गेट भी खुल चुका है, और अब आगे एक बर्फीला रास्ता, बर्फीला नहीं है ये कुछ अलग, हाँ ये क्रिस्टल्स हैं, ये बर्फीला रास्ता नहीं है, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो आइस होती है ना वो। पीछे का गेट किसने बंद करा, ओके खुला है, मैं जा सकता हूँ पीछे, और ऊपर चढ़ सकता हूँ मैं शायद ऊपर नहीं चढ़ पाऊँगा, मैं यार केमिकल फ्लूड मेरे को वहाँ से चाहिए था, छोड़ो। अभी ये सब मर गए हैं भाई, यहाँ से स्नाइपर का एमओ भी सारा ख़त्म हो गया, पिस्टल में है मेरे थोड़ा बहुत एमओ, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, देखते हैं हमें आगे क्या क्या मिलने वाला है, एंड इस तरफ में भी रास्ता है, इस तरफ में भाई यहाँ आगे बढ़ेंगे भाई, आराम से बढ़ेंगे। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 5 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, और जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे कॉमेंट्स में जाके जरूर बताना कि ये जो बाद वाला मॉन्स्टर था ये ज़्यादा तगड़ा था, या वो शुरू में फिश वाला मोरो मॉन्स्टर ज़्यादा तगड़ा था। वैसे दोनों ही तगड़े थे, बट हाँ यार वो मेन बॉस है वो कुछ ज़्यादा तगड़ा था, ये तो भाई हाइजेनबर्ग का चेला है, चेला इतना डेंजरस है तो हाइजेनबर्ग कितना डेंजरस होगा, बहुत मजा आने वाला है। तो हाँ यार जाओ सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लो, एंड डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। तो चलो यार आज के वाली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।